जय हिंद डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लास में। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था कि कुछ फैमिली प्रॉब्लम की वजह से मैं आपको लाइव क्लास नहीं दे पा रहा हूँ, बट फिर भी आपको ऑफलाइन क्लासेस मैं आपको डेली प्रोवाइड कर रहा हूँ। कल के वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में पढ़ा था। रिक्वेस्ट है कि बहुत सारे बच्चों ने उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखा है, अगर आप उस वीडियो लेक्चर को नहीं देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नहीं सॉल्व कर पाओगे। और मे बी आज के इवनिंग सेशन में मैं आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के, वो भी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के। तो आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से तैयार कर लीजिए, आज का वीडियो लेक्चर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का देख लीजिए, सारे क्वेश्चन उसी पे बेस्ड होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक हमारा स्टार्ट होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी। बीच में मैंने दो टॉपिक स्किप किए हैं, वो दोनों टॉपिक नस्ट इक्वेशन, गिब्स फ्री एनर्जी का टॉपिक, वो कल के वीडियो लेक्चर में आपको प्रोवाइड करूंगा। आज जो भी है वो थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। तो कंडक्टिविटी के बेसिस पे हम बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़ने वाले हैं, व्हीट स्टोन ब्रिज कैसे काम करता है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स। आज का जो टॉपिक है वो है कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। इट इज़ नेसेसरी टू डिफाइन फ्यू टर्म्स बिफोर वी स्टडी द कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस एंड अदर टर्म्स। इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर इज मेजर्ड विद ओम। रेजिस्टेंस के बारे में सभी लोग जानते हो, ओम की डिफरेंस ओम होता है, ओम से रिप्रेजेंट करते हैं इसको। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय ए कंडक्टर टू फ्लो द इलेक्ट्रिसिटी थ्रू ए कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जो भी विरोध होता है जब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास होती है किसी वायर में, जो भी आपको इस एक होता है ना जिसकी वजह से फुल अमाउंट ऑफ कंडक्टिविटी कंडक्टेंस आप तक नहीं पहुंच पाती, उसका कारण क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। तो रेजिस्टेंस इज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, अभी आप ऊपर पढ़ोगे, मतलब नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ोगे। तो रेजिस्टेंस जो होता है, रेजिस्टेंस इज ओम्स लॉ के बेसिस पे आप रेजिस्टेंस को डिफाइन कर सकते हो। वी इज इक्वल टू आई आर, तो आर इज इक्वल टू वी बाय आई, तो आप आर को ओम से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बात का ध्यान रखिएगा। रेजिस्टेंस कंडक्टेंस का रेसिप्रोकल होता है, ये सभी लोग जानते हो। अगला आता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को ही रेजिस्टिविटी कहते हैं और रो से रिप्रेजेंट करते हैं। रेजिस्टिविटी जो होती है वो किसी भी वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और उस वायर के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल होती है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, रेजिस्टेंस जो होता है वो वायर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के रेसिप्रोकल होता है। मतलब अगर कोई वायर आपने यूज किया है और उसकी थिकनेस ज़्यादा है, वो मोटा ज़्यादा है, उसमें बहुत सारे तार यूज़ हो रहे हैं, तो रेजिस्टेंस अपने आप कम हो जाएगा। और जो लेंथ अगर उसकी ज़्यादा है, मतलब घर के घर पे लाइट बहुत जितने दूर से आई होगी उतना ज़्यादा आपको कम लाइट मिलेगी क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो कुल मिला के रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द वायर एंड रेसिप्रोकल टू एरिया ऑफ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। तो जब प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो वहाँ एक नया प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है जिसको बोलते हैं रो, और रेजिस्टिविटी कहते हैं। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू हो गया आर ए बाई एल। रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू क्या हो गया? आर ए बाई एल। रो इज द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, एल इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। रो इज कॉल्ड स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, इट्स वैल्यू डिपेंड्स ऑन द मटेरियल ऑफ द कंडक्टर। इट्स एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? सिंपल सी बात है कि रो इज इक्वल टू हो जाएगा आर ए बाई एल। तो आर की यूनिट ओम होती है, ए की यूनिट सबको पता है मीटर स्क्वायर होगी, ओ मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर, मीटर मीटर का ओम मीटर होगी, क्या होगी? ओम मीटर। एंड क्वाइट ऑफन सबमिटेड ओम सेंटीमीटर इज आल्सो यूज्ड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 100 इंटू ओम सेंटीमीटर इज इक्वल टू ओम मीटर, ये ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चंस बेसिकली टर्म्स यूज होते हैं। आगे यूज़ करते हैं रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टर्स के बारे में। तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस को सी या जी से रिप्रेजेंट करते हैं। कंडक्टेंस डिस्क्राइब द ईज विद द विच करंट फ्लो थ्रू ए कंडक्टर, इट इज़ इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस होता है। जी इज इक्वल टू 1/r या सी इज इक्वल टू 1/r, तो आर की यूनिट ओम इनवर्स हो जाएगी। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? कंडक्टेंस की ओम इनवर्स। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा होगा कंडक्टेंस उतना कम होगा, ठीक है। ओम की यूनिट महो, ओम की कंडक्टेंस की यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स, या महो भी कहते हैं उसको, या साइमन कहते हैं। क्या बोलते हैं? साइमन, याद रखिएगा। साइमन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा था। कंडक्टेंस की यूनिट साइमन होती है, ऐसा यूनिट। अगला स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी। स्पेसिफिक जैसे रेजिस्टेंस का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस था, वैसे ही कंडक्टेंस का स्पेसिफिक कंडक्टेंस, या इसी को कंडक्टिविटी कहते हैं। इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंबल कप्पा, इसको कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। जैसे हमारा अभी ऊपर आपने देखा कि कंडक्टेंस जो था वो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल था, वैसे जो कंडक्टिविटी होगी वो क्या हो जाएगी? रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा? कप्पा इज रेसिप्रोकल ऑफ 1/ρ। 1/ρ इज इक्वल टू आपको पता ही है, तो आप वैल्यू उठा करके पुट अप कर दो। 1/ρ इज इक्वल टू जो है एल इंटू ए बाई आर, ए इंटू आर। तो कंडक्टेंस या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो गया? कंडक्टेंस इज, तो 1/r को क्या बोलते हैं? 1/r को कंडक्टेंस बोलते हैं। तो जी हो गया जी इंटू एल बाई ए,
तो दो फार्मूले यहाँ आपके सामने निकल के आए डियर स्टूडेंट्स कि एक तो क्या है कि कप्पा जो होता है वो वन अपॉन रो होता है, तो वन अपॉन रो क्या होगा, वन अपॉन रो, तो वन अपॉन रो इज इक्वल टू एल अपॉन ए इंटू आर। तो अभी आपने पढ़ा कि वन अपॉन आर को रजिस्टर कंडक्टेंस बोलते हैं, तो कंडक्टेंस इंटू एल बाई ए। अब यहाँ इस बात को समझना जरूरी है डियर स्टूडेंट्स कि जो स्पेसिफिक कंडक्टिविटी कंडक्टेंस होता है वो वन बाई रो होता है और कंडक्टेंस जो होता है वन बाई आर होता है। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, यहाँ जो कप्पा आया है कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस कप्पा आया है, एक तो कंडक्टेंस कैसे हुआ ये पता हो गया, अभी फार्मूले में ऊपर देखिए ओ आर आर करके लिखा हुआ एल अपॉन ए इंटू आर, तो वन बाई आर की जगह पर कंडक्टेंस हो गया, ठीक है। और एल बाई ए जो है वो सेल कॉन्स्टेंट कहलाता है, तो सेल कॉन्स्टेंट आगे भी आप पढ़ोगे, सेल कॉन्स्टेंट इज इक्वल टू होता है एल बाई ए, लेंथ ऑफ द कंडक्टर अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, तो एल बाई ए इज नोन एज सेल कॉन्स्टेंट। तो कंडक्टिविटी या स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या होता है, स्पिनमेरिकल बहुत बंपर आता है रिएक्शन, तो कंडक्टेंस इनटू सेल कॉन्स्टेंट, एल बाई ए फिक्स क्वांटिटी फॉर ए सेल एंड इज कॉल्ड सेल कॉन्स्टेंट, ठीक है। इफ़ एल इज इक्वल टू वन मीटर, अगर हम एल इज इक्वल टू वन मीटर कर दें और ए इज इक्वल टू वन मीटर स्क्वायर कर दें, तो स्पेसिफिक कंडक्टेंस किसके बराबर हो जाएगा, सिंपल सी बात है कि कंडक्टेंस के बराबर हो जाएगा, मतलब स्पेसिफिक कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल इज द कंडक्टेंस व्हेन इट्स लेंथ इज़ वन मीटर एंड इट्स एरिया ऑफ क्रॉस इज़ वन मीटर स्क्वायर। तो किसी भी कंडक्टर की अगर लेंथ एक मीटर है और उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वन मीटर स्क्वायर है, तो उसकी कंडक्टेंस कंडक्टिविटी के बराबर होगी, ये ध्यान रखिएगा, डिफिनीशन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, फार्मूला याद रखिएगा जी इंटू एल बाई ए या जी इंटू कॉन्स्टेंट सेल कॉन्स्टेंट, दोनों ही फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए अगला, यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टेंस, यूनिट क्या हो जाएगी, कप्पा जो होता है वो कंडक्टेंस इनटू एल बाई ए होता है, तो कंडक्टेंस की यूनिट ओम इनवर्स, एल की यूनिट सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर इनवर्स, तो ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ठीक है। ओम की यूनिट जो होती है साइमन, ओम इनवर्स की यूनिट होती है साइमन, तो साइमन हो गया और सेंटीमीटर इनवर्स तो है ये, तो है तो साइमन सेंटीमीटर इनवर्स या साइमन मीटर इनवर्स। अभी आपने रेजिस्टेंस की यूनिट ओम पढ़ा था, रेजिस्टिविटी की यूनिट आपने जब देखी थी तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या आई थी ओम सेंटीमीटर, और कंडक्टेंस की यूनिट आपने पढ़ी साइमन, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, ध्यान रखिएगा, ठीक है, वन साइमन सेंटीमीटर में इसको ये हो जाएगा। अच्छा, कई मेटल्स की आप कप्पा की वैल्यू यहाँ दी हुई है, तो देखिए सोडियम के लिए 2.1 × 10³, कॉपर के लिए 5.9 × 10³, तो जिसकी कंडक्टिविटी की वैल्यू देखिए सबसे ज़्यादा कॉपर की आ रही है, फिर इंसुलेटर के देखिए ग्लास का देखिए कम हो गया, और फिर एक्वा सोल्यूशन के लिए दिया हुआ है। तो इन सब चीज़ों से एक चीज़ आपको क्लियर होकर निकल के आएगी फ्रॉम द अबव डाटा कि इट इज़ कैन बी सजेस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ द कंडक्टिविटी वेरी इज अ ग्रेट आइडियल, इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑन द बेसिस ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ कंडक्टिविटी मटेरियल आर क्लासिफाइड इनटू कंडक्टर इंसुलेटर एंड सेमी कंडक्टर। अब कंडक्टर क्या होते हैं सभी को पता है, मेटल्स आर दे आर एलॉय हैव वेरी लॉन्ग लार्ज कंडक्टिविटी एंड आर नोन एज कंडक्टर, सर्टेन नॉन मेटल्स लाइक कार्बन ब्लैक ग्रेफाइट एंड सम ऑर्गेनिक पॉलीमर्स आर ऑल्सो इलेक्ट्रिकली कंडक्टिंग। ऑर्गेनिक कंडक्टर्स की बात करें 1970 में मैक डायरमिट ने और हीगर ने एंड सिक्राबा डिस्कवर्ड एन एस्टेलिन गैस कैन बी पॉलीमराइज टू प्रोड्यूस पॉलीमर पॉलीएस्टेलिन, व्हेन दिस इज एक्सपोज्ड टू वेपर ऑफ आयोडीन इट एक्वायर्स मेटालिक लस्टर एंड कंडक्टिविटी, सिंस देन सेवरल ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ऑर्गेनिक कंडक्टिंग पॉलीमर हैव बीन मेड सच एज पॉलीएनिलीन पॉलीएवरिन एंड पॉली थायोफीन, दीज ऑर्गेनिक मटेरियल बीइंग कंपोज्ड होली टू एलिमेंट्स लाइक कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑकेजनली नाइट्रोजन ऑक्सीजन और सल्फर आर मच लाइटर देन नॉर्मल मेटल्स एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग लाइट वेट बैटरीज, ये सब बैटरी बनाने के लिए होते हैं, मतलब कहने को क्या कि ये सभी ऑर्गेनिक कंडक्टर का काम करते हैं, कहने के लिए मेटेलिक कंडक्टर नहीं है लेकिन ऑर्गेनिक कंडक्टर है, और इसलिए इस डिस्कवरी के लिए पॉलीमेरिक प्लास्टिक कंडक्टर के लिए इन्हें क्या बनाया गया नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। इंसुलेटर क्या होते हैं, ग्लास सेरेमिक रबर ये सब पता ही आपको, सेमी कंडक्टर सिलिकॉन जर्मेनियम गैलियम ये सब क्या है ग्रुप 13 और 15 आर आल्सो सेमी कंडक्टर, दे हैव कंडक्टिविटी बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर, ठीक है, सेमी कंडक्टर एंड आर इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल। सुपर कंडक्टर बाय डिफिनीशन सुपर कंडक्टर हैव जीरो रेजिस्टिविटी और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, क्या ध्यान रखिएगा सुपर कंडक्टर किसे कहते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी जीरो हो और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी हो, अर्लियरली ओनली मेटल्स एंड दे आर एलॉय एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 Kelvin वेयर नोन टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर, बट नाउ इट इज नंबर ऑफ सेरेमिक मटेरियल्स आर मिक्सड ऑक्साइड आर ऑल्सो नोन एज सो सुपर कंडक्टिविटी एट टेम्परेचर एट हाई एज 150 Kelvin, तो 0 to 15 Kelvin पर जनरली मेटल्स जो होती हैं वो सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, उनकी रेजिस्टिविटी जीरो हो जाती है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर, तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में सभी लोग जानते हो जितनी मेटल्स हैं,
ठीक है, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मेटल, कौन कौन से इलेक्ट्रॉनिक इंटर डिपेंड्स ऑन द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल्स, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर। आप फर्स्ट चैप्टर में पढ़ चुके हो, कंडक्टिविटी डिक्रीज करती है। तो कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक सॉल्यूशन, कंडक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज वेरी लो, इट इज बिकॉज ऑफ प्योर वाटर हैज स्मॉल अमाउंट ऑफ H+ एंड OH+ आयन। लेकिन जैसे जैसे नंबर ऑफ आयन्स बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है किसी भी आयनिक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो किसी आयनिक सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के लिए हम दो टर्म यूज़ करते हैं, एक होता है इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और दूसरा होता है मोलर कंडक्टिविटी। तो आइए इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ते हैं। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस और आयनिक कंडक्टेंस के बारे में, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस आल्सो नोन एज आयनिक कंडक्टेंस, ध्यान रखिएगा। तो हम सोल्यूशन की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में पढ़ने चल रहे हैं। तो यहाँ नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, विस्कोसिटी, साइज ऑफ आयन, देयर सॉल्वेशन, कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, टेम्परेचर, ये सब इफेक्ट करेंगे, डायरेक्ट करंट भी अफेक्ट करेंगे। तो आइए कैसे करेगा, आइए देखते हैं। मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर में दोनों में डिफरेंस देखते हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू मूवमेंट ऑफ आयंस, दीज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड देर इज नो केमिकल चेंज। यहाँ केमिकल चेंज नहीं होता मेटेलिक, लेकिन इलेक्ट्रोलिटिक में केमिकल चेंज होता है। इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी ट्रांसफर ऑफ मैटर, यहाँ पर ट्रांसफर ऑफ मैटर होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टर डिक्रीजेज विद द इंक्रीजिंग टेम्परेचर, अभी आपको बताया ऊपर फर्स्ट चैप्टर में पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, क्योंकि आयन्स आसानी से ब्रेक हो जाएंगे। तो अगर कहा जाए टेम्परेचर बढ़ने पर किसकी कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन की बढ़ेगी। द रेजिस्टेंस ऑफ मेटल इज ड्यू टू द वाइब्रेशन कर्नल्स, और यहाँ रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज ड्यू टू द विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट। अगर सॉल्वेंट विस्कस ज़्यादा है, विस्कोसिटी ज़्यादा है, तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और आयन्स का मूवमेंट स्लो हो जाएगा। ठीक है, मेटल्स जनरली हैव हाई कंडक्टेंस, दे कंडक्ट कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन जनरली लो। चलिए अगला आता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। कंडक्टिविटी ऑफ इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस विच सोल्यूशन इज प्लेस्ड बिटवीन टू पैरेलल इलेक्ट्रोड्स हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 cm² एंड डिस्टेंस 1 cm। अगर दो क्रॉस सेक्शन, एक दो मेटल्स इलेक्ट्रोड रखे हुए हैं, उनके बीच में कोई इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, तो एक उसके जो कैसा इलेक्ट्रोड हो जिसका क्रॉस सेक्शन 1 cm² और डिस्टेंस उन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की कितनी हो, 1 cm हो, तो उसमें कितने भी नंबर ऑफ आयंस होंगे उनका कंडक्टिंग पावर क्या कहलाता है, कंडक्टिविटी कहलाता है फॉर कंडक्शन इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन। तो कंडक्टिविटी में आल्सो भी डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 cm³ ऑफ द सोल्यूशन इन टर्म्स ऑफ SI यूनिट इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ऑफ 1 m³ ऑफ द सोल्यूशन। 1 m³, ध्यान रखिएगा, 1 m³ ऑफ द सोल्यूशन, मतलब पर सेंटीमीटर क्यूब पर डिपेंड करती है कंडक्टिविटी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन डिपेंड्स अपॉन द इट्स कंसंट्रेशन। सोल्यूशन ऑफ द सेम इलेक्ट्रोलाइट हैव डिफरेंट कंडक्टिविटी एट डिफरेंट कंसंट्रेशन, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन पर सेंटीमीटर डिक्रीज। मतलब अगर आप बात करें तो कंडक्टिविटी जो होती है किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन की, वो डिक्रीज करती है बिकॉज आयन पर सेंटीमीटर, अगर कंसंट्रेशन डिक्रीज इन इट्स कंसंट्रेशन, अगर कंसंट्रेशन घटाएंगे तो पर सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन्स घट जाएंगे, और आयन्स घट जाएंगे तो कंडक्टिव पावर घट जाएगा। तो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी क्या होती है, टू कंपेयर द कंडक्टिंग पावर ऑफ सोल्यूशन टू डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट्स, वी शुड टेक सोल्यूशन टेकिंग इन आयन कैरिंग सम ऑफ टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल, 1 mole ऑफ NaCl गिव्स 1 mole Na+ एंड 1 mole ऑफ Cl-। ठीक है, टू चार्जेस ऑफ दो आयन्स आर 2 farads। ऐसे Na2SO4 में कितने आएगा, 4 farads। Al2SO4 के होल थ्राइस में कितना आएगा, कुल मिला करके 6 farads आएगा। तो कुल मिला करके farads बढ़ते जा रहे हैं। देयरफोर द कंडक्टिंग पावर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 1 mole ऑफ NaCl, 1 mole ऑफ Na2SO4, 1 mole ऑफ Na3PO4 एंड 1 mole ऑफ NaCl कैन नॉट बी कंपेयर्ड। इट इज़ बिकॉज देयर सोल्यूशन कैन नॉट डिफर टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टोटल चार्ज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैरिड बाई 1 mole ऑफ दीज इलेक्ट्रोड 2, 4, 6 and 12 farads रेस्पेक्टिवली। इट इफ वी टेक 1 gram ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ NaCl और 1 gram ऑफ इक्विवेलेंट ऑफ Na2SO4 और 1 gram ऑफ इक्विवेलेंट Na3PO4 1/3 mole, देन सोल्यूशन ऑफ ईच इलेक्ट्रोलाइट विल कंटेन 2 farads, है ना। तो डिपेंड करता है कितने फेराडे कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी, ये ध्यान रखिएगा। देखिए Na2SO4 का आधा कर दिए, Na3PO4 का 1/3 कर दिए, तो कुल मिला करके वॉल्यूम पर डिपेंड करता है। तो आइए देखते हैं कैसे। इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी एट डाइल्यूशन वी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ ए सोल्यूशन इज द कंडक्टिंग पावर ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय डिसॉल्विंग 1 gram ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इन VCC, मतलब वॉल्यूम VCC मतलब क्यूबिक ऑफ द सोल्यूशन, एंड प्लेसिंग द सोल्यूशन बिटवीन 2 parallel प्लेटिनम इलेक्ट्रोड्स 1 cm अपार्ट, लार्ज एनफ टू कंटेन बिटवीन देम द होल ऑफ द सोल्यूशन। इट इज डिनोटेड बाई λeq, रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक कंडक्टेंस कंडक्टिविटी, λ इज इक्वल टू द कप्पा इंटू वी, क्या होता है कप्पा इंटू वी।
लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कपा इंटू वी। यहाँ पे क्योंकि नॉर्मलिटी की बात करेंगे तो 1000 इक्विवेलेंट ग्राम इक्विवेलेंट में आप जानते हैं कि नॉर्मलिटी आता है, तो यहाँ पे फार्मूला निकल के आएगा लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन आ जाएगा। क्या जाएगा? लैम्डा इज इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो फार्मूला आ गया लैम्डा ई क्यू इज इक्वल टू कप्पा इंटू वी, वी इज द वॉल्यूम इन 1 सेंटीमीटर। और उसके बाद फिर आप तो डियर स्टूडेंट्स कुल मिलाकर ये क्लियर हो, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी जो होती है वो अगर दो इलेक्ट्रोड हम ले लें और उसमें किसी इलेक्ट्रोलाइट को रखें दो इलेक्ट्रोड के बीच में, और उन दो इलेक्ट्रोड के बीच की लेंथ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, उनका एरिया प्लस 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और उसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर हो, तो उनमें जो आयंस होंगे ग्राम इक्विवेलेंट उनका जो कंडक्टिव पावर होगा वो कहलाएगा इलेक्ट्रिक इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो लैम्डा इक्यू इक्वल टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एन। तो लैम्डा इक्यू इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप नॉर्मलिटी से होता है, नॉर्मलिटी जितनी ज़्यादा होगी लैम्डा इक्यू की वैल्यू उतनी कम होगी, ध्यान रखिएगा। रिलेशनशिप याद रखिएगा, लैम्डा इक्यू नॉर्मलिटी एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे फॉर 2n सॉल्यूशन द 2 इक्विवेलेंट सॉल्यूशन ये हो जाएगा 500 cc, फॉर n बाई 10 10000 cc। मतलब जैसे जैसे नॉर्मलिटीज बढ़ती जाएगी वैसे वैसे लैम्डा इक्यू की वैल्यू घटती जाएगी। मतलब कुल मिलाकर के ये हो गया कि नॉर्मलिटी की वैल्यू बढ़ाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू घटती जाएगी, नॉर्मलिटी की वैल्यू घटाएंगे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की वैल्यू बढ़ती जाएगी, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। यूनिट निकाल लिया जाए तो यूनिट आपके सामने है, वी वॉल्यूम होता है, तो आप यहाँ वैल्यू उठा के पुट अप कर दिए, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर साइमन मीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स, ठीक है। मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो सब कुछ वही डिफिनीशन होगी, इसको लैम्डा एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और बस वहाँ पे इक्विवेलेंट था एक सॉल्यूशन में प्रेजेंट इक्विवेलेंट आयन की थी, यहाँ पे किसके रिस्पेक्ट में जाएगा मोलर, वन एक मोल में प्रेजेंट आयन्स होंगे, एक मोल में जितने आयन्स होंगे। तो रिलेशनशिप बिटवीन मोलर कंडक्टिविटी की बात करें तो लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, और यहाँ पे वहाँ पे नॉर्मलिटी आ रहा था ऊपर अभी, और इसमें क्या आ जाएगा मोलरिटी, तो लैम्डा एम इज इक्वल टू 1000 इनटू कप्पा इनटू अपॉन सी, सी इज द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है। फिर यहाँ भी बात हो जाएगी मोलरिटी और लैम्डा एम दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, ध्यान रखिएगा। मोलरिटी जितनी ज़्यादा बढ़ती जाएगी कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी उतनी ज़्यादा घटती जाएगी, ध्यान रखिएगा। लैम्डा एम इज इक्वल टू कप्पा इनटू वी, यूनिट रखेंगे तो वहाँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर इक्विवेलेंट इनवर्स आ रहा था, यहाँ साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट मोलर कंडक्टिविटी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इसका टॉपिक आपको क्लियर हो गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, मैं जानता हूँ कि आपको कुछ समस्याएँ हो रही होंगी, बट परेशान ना होइए, मैं अपनी समस्याओं से हट करके आऊँगा तो मैं आपको बहुत ही क्लियरली सारी चीज़ों को बताऊँगा। बस आज के इवनिंग सेशन में आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज अच्छे से तैयार करके रखिएगा जिससे कि मैं आपसे क्वेश्चन पुटअप कर पाऊँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।